बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। एस एफ एस एल यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं अपने तमाम बहन और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे ये दरख्वास्त है कि हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एस एफ एस एल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़े मेहरबानी सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आपके पास हमारे मालूमती वीडियोस का नोटिफिकेशन बकायदगी के साथ पहुंचता रहे। प्यारी बहनों और भाइयों, शहवत की वजह से सफ़ेद काढ़ा पानी का निकलना गुस्ल को वाजिब कर देता है, चाहे सोहबत हो या ना हो। बाज़ोकात मनी पतली होने की वजह से पेशाब के साथ या वैसे ही कुछ कतरे आ जाते हैं जो शहवत के बगैर होते हैं, तो उनसे वजू टूट जाएगा लेकिन गुस्ल वाजिब नहीं होगा। एहतलाम से भी गुस्ल वाजिब हो जाता है, यानी नींद में मनी निकल आए और बेदार होने पर इसका असर कपड़ों पर मौजूद हो तो गुस्ल वाजिब हो जाएगा। एहतलाम याद हो लेकिन इसका असर कपड़ों पर नहीं तो गुस्ल वाजिब नहीं होगा। सोहबत करने से गुस्ल वाजिब हो जाएगा, चाहे अनजान हो या ना, यानी मनी निकले या ना निकले। औरत का माहवारी के बाद गुस्ल करना वाजिब है। बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून निकलता है इसको निफास कहते हैं, और निफास की वजह से गुस्ल वाजिब हो जाता है। जिस पर गुस्ल फ़र्ज हो जाए उसको चाहिए कि नहाने में तख़ीर ना करे बल्कि जल्दी नहाए, क्योंकि हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जिस घर में जुम्बी हो यानी जिस पर गुस्ल फ़र्ज हो उस घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आता। अगर नमाज का वक़्त निकल रहा हो तो फौरन नहाना फ़र्ज है, यानी अब अगर नहीं नहाएगा तो गुनाहगार होगा। मनी का सराहतन के साथ इसलिए जिक्र किया क्योंकि पानी निकलने वाला तीन तरह का होता है, मनी, मज़ी और वदी। मनी निकलने की सूरत में गुस्ल फ़र्ज होता है, लेकिन मज़ी और वदी वगैरह निकले तो गुस्ल फ़र्ज नहीं होता पर वज़ू टूट जाएगा। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने और सुनने वालों को पसंद आई हो। आखिर में मैं अपने तमाम बहन और भाइयों से ये गुजारिश करना चाहूँगी कि हमारी आज की इस वीडियो को सबका जरिए समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुस्तकबिल में आने वाली तमाम नई वीडियोज़ को देखने के लिए एस एफ एस एल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह।